दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि हेलीकॉप्टर का माइलेज कितना होता है? अगर नहीं जानते तो कोई बात नहीं, आज मैं आपको इसी बारे में बताने वाला हूँ। दोस्तों, आपने हेलीकॉप्टर तो बहुत देखे होंगे और शायद इनमें सफर भी किया हो, लेकिन इन्हें देखने के बाद आपके मन में ये सवाल जरूर आया होगा कि आखिर हेलीकॉप्टर कितने का एवरेज देते हैं। दोस्तों, हेलीकॉप्टर हवाई जहाज की तरह ही उड़ता है, लेकिन इसकी बनावट हवाई जहाज से बहुत अलग होती है। बता दें कि हवाई जहाज उड़ने के लिए जेट इंजन का सहारा लेते हैं और वहीं हेलीकॉप्टर उड़ने के लिए पंखे नुमा ब्लेड का सहारा लेते हैं। दोस्तों, इसके अलावा भी इन दोनों में काफी अंतर होते हैं। अगर बात की जाए हेलीकॉप्टर की तो इन्हें ज्यादातर मिलिट्री में, फायर फाइटर में और VIP लोगों के आने जाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। दोस्तों, हेलीकॉप्टर की कैपेसिटी और उड़ने की रफ्तार हवाई जहाज से काफी कम होती है, लेकिन एक बात हेलीकॉप्टर को हवाई जहाज से बेहतर बनाती है और वो ये है कि हेलीकॉप्टर किसी भी समतल जगह से उड़ान भर सकता है, जबकि हवाई जहाज को उड़ने के लिए रनवे की जरूरत होती है। दोस्तों, दुनिया में हेलीकॉप्टर अलग अलग तरह के होते हैं। कुछ इतने बड़े होते हैं कि वो किसी भी चीज को अपने साथ उड़ाकर ले जाते हैं, जबकि कुछ हेलीकॉप्टर छोटे होते हैं जिनमें सिर्फ 2 से 4 लोग बैठ पाते हैं। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम रॉबिन्सन R-44 रैवन 2 हेलीकॉप्टर की बात करने वाले हैं। बता दें कि रॉबिन्सन कंपनी ने इस हेलीकॉप्टर के बारे में कई सारी जानकारियां शेयर की हैं, जिसके मुताबिक इस हेलीकॉप्टर की टॉप स्पीड 180 किलोमीटर प्रति घंटे से 240 किलोमीटर प्रति घंटा होती है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इस हेलीकॉप्टर में फ्यूल के 2 टैंक होते हैं। जो मुख्य टैंक होता है उसकी कैपेसिटी 120 लीटर होती है और जो दूसरा टैंक होता है उसकी कैपेसिटी 70 लीटर होती है। इस हेलीकॉप्टर के वजन की बात की जाए तो इसका वजन लगभग 657 किलोग्राम होता है और जब इसमें फ्यूल और अन्य जरूरी सामान लोड कर दिया जाता है तो इसका वजन लगभग 1134 किलोग्राम हो जाता है और ये एक घंटे में 50 से 60 लीटर ईंधन की खपत करता है और एक मील तक उड़ने के लिए इसे 1 गैलन फ्यूल की जरूरत पड़ती है। दोस्तों, इसका एवरेज निकालने के लिए अगर हेलीकॉप्टर की स्पीड 180 किलोमीटर प्रति घंटा मान ली जाए तो ये हेलीकॉप्टर 1 लीटर फ्यूल में 3 से 4 किलोमीटर तक उड़ान भर सकता है। दोस्तों, इसका एवरेज इसके साइज पर भी डिपेंड करता है। अगर हेलीकॉप्टर बड़ा है तो वो उतना ही ज्यादा फ्यूल कंज्यूम करेगा। तो दोस्तों, अब आपको अंदाजा लग गया होगा कि हेलीकॉप्टर का एवरेज कितना होता है। उम्मीद है आपको छोटी सी जानकारी पसंद आएगी। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक एंड शेयर करें और अगर आपके कोई सवाल है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।